अस्सलाम वालेकुम। ये जो हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, सलाम जैसा रोड वार्ड नंबर 6, इस तरफ से आयशा नगर की ये मेन रोड है, आयशा नगर कब्रस्तान है। यहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जाती है, सीमेंट की गाड़ी हो, ट्रैक्टर हो, पानी की गाड़ियाँ हो, ये एक बड़ा हैवी रोड है। ये रोड बहुत कम दिन हुआ अभी बना था। फिलहाल पब्लिक का ऐसा बोलना था कि अभी बनने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, फिर भी पब्लिक ने बहुत बोला, बहुत सोचा। जैसे कि एक कहावत है, पब्लिक के बोलने पे ये काम अपन चीज़ कर रहे हैं। देखी गई ना उससे अंधेरों की सड़क ऐसी, आफ्ताब बन के फिर निकलना पड़ा। तो ये उसी तरह की काम है कि ये काम पब्लिक को ही नहीं पड़ रहा है, जो स्टार्ट काम हो रहा है वो पब्लिक के हिसाब से ही नहीं है काम। इसका कुछ दिनों पहले मैंने बातचीत किया पब्लिक से, किया पब्लिक ने मेरे पास आई, मैं कॉर्पोरेशन गया, जो कॉर्पोरेशन के रूल के हिसाब से होता है कि कॉर्पोरेशन का क्या फंड है, कितनी लंबाई चौड़ाई है, क्या ढंग से बनना चाहिए, तो वो हिसाब से मैंने रूल से कॉर्पोरेशन से पेपर मांगनी करा। मुझे कॉर्पोरेशन ने रूल से मांगनी दी है, पेपर दी है कि कॉर्पोरेशन 20 इंच खोदना चाहिए, और टोटल मैं ओरिजिनल कॉर्पोरेशन की पेपर लाया हूँ कि ढंग से खुदाई करना चाहिए, किस ढंग से मुरुम डालना चाहिए, किस ढंग से पत्थर डब्बर है नीचे वो डालना चाहिए, सोलिंग करना चाहिए, मुरुम डाल के उसके ऊपर रोलर चलना चाहिए, फिर उस ओरिजिनल माल डालना चाहिए, सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। इस ढंग से कुछ भी रोड बन नहीं रहा है। पब्लिक के बेहद इसरार पे हमने ये काम किया, और मैं आप लोगों को, चैनल वालों को और पब्लिक को मैं सबूत के साथ कॉर्पोरेशन की पेपर दे रहा हूँ कि क्या हिसाब से ये रोड बनना चाहिए था, वो हिसाब से काम नहीं हो रहा है। जो रोड बन रहा है ऊपर ही ऊपर रोड बन रहा है, खुदाई कुछ भी नहीं हो रही है। हमारी गली की 10-1 रोड जो गली गली से आ रही है 10 फुट की 15 फुट की, वो रोड नीचे हो जा रहे हैं, और ये रोड जो ऊपर ऊपर बन रहे हैं ऊपर हो जा रहा है। तो इसलिए ये रोड मुनासिब नहीं है। हम आमदार साहब का फंड है मुफ्ती इस्माइल, उनसे हमारी ये गुजारिश है कि आपने फंड ला लिया, मंजूर कर लिया, आपने एस्टीमेट बना लिया, मगर काम किस ढंग से हो रहा है आपने अभी तक ये देखा नहीं, आप आए नहीं। आपका काम है, फंड दे दिया आपने, मगर कम से कम जो काम हो रहा है उसकी रेख देख आपको करना चाहिए। आपके लोग भी नहीं है यहाँ, ना आप हो, क्या ढंग से काम होना चाहिए। आपका काम है, आपकी पूरी जवाबदारी है कि आपने इतना बड़ा फंड लाया और रोड बनना चाहिए, रोड उस ढंग से बन नहीं रहा है। ये ट्रैफिक रोड है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, सीमेंट की गाड़ी का रास्ता है, पानी का टैंकर है, पानी की सुविधा गटर और वो सब भी। इस ढंग से रोड बनना चाहिए, जिस ढंग से रोड नहीं बन रहा है, इसलिए मजबूरी में हमको निकलना पड़ रहा है। गटर पहले बनने चाहिए, पब्लिक डिमांड तो ये थी कि पहले गटर बनने चाहिए था। गटर भी आए दिन चौका हो जाती है, छोटी सी गटर है, रोड हैवी है, रोड बड़ा है, पूरा पब्लिक एरिया है, यहाँ पर पानी का फ्लो बहुत है। इस हिसाब से पहले पब्लिक डिमांड ये था, काम पहले ही दूसरे दिन रुक रहा था, उसके बाद फिर काम का हम खिलाफ नहीं है, इसलिए काम रोकने के मूड में हम नहीं है, आज भी नहीं है, कल भी नहीं थे। आमदार साहब ने वार्ड नंबर 6 में और भी इससे पहले काम किया, आज तक हमने कभी किसी को कुछ बोला नहीं, किसी को टोका नहीं, काम के हम खिलाफ नहीं है, विकास के खिलाफ नहीं है। हम आमदार हो, कोई भी हो, काम करो, काम करना चाहिए। आपको इतनी बड़ी तादाद में 1,17,000 रोड मिली है, आपका फर्ज है काम करना, आप काम करो, हम काम के खिलाफ नहीं है, मगर काम किस ढंग का हो ये भी आपकी जवाबदारी है आमदार साहब, कि आपने काम देखना चाहिए किस ढंग से काम हो रहा है। ये जो यहाँ पे लोग खड़े हैं, ये महिला है, पब्लिक है, कोई पार्टी बाजी प्रोग्राम नहीं है कि मैं शेख आसिफ का पार्टी का मानने वाला हूँ तो मैं ये सब शेख आसिफ के लोग खड़े हुए हैं, ऐसा नहीं, ये महिला है, महिला के लोग को लेके खड़ा हुआ हूँ मैं, महिला की नाराज़गी है। जिस टाइम ये रोड का उद्घाटन हुआ था तो हमारे मंजूर भाई रंगीन मोगरा खड़े हुए, उस वक्त उन्होंने प्रोग्राम की सदारत करी थी कि भाई काम अच्छा होना चाहिए। ये मंजूर भाई है, इनके कोई पार्टी बाजी का मैटर नहीं है, कहा था कि भाई मशोरे से काम होगा, आज वो दिख नहीं रहे यहाँ पर, कोई मशोरा नहीं है, कुछ नहीं। मैं अगले जुमा मतलब को उनके पास गया भी था, बोला भी था कि भाई देखो यहाँ से जो रोड सिर्फ नाच कोचिंग तक ही बन रहा है, आगे जो स्कूल है निषाद स्कूल तक जाना चाहिए, वो बोले मंजूर भाई 1 करोड़ का ही बजट है, आगे अभी नहीं है, तो मशोरे से काम होना चाहिए था, तो वहाँ से स्टार्ट होके इधर आगे ख़त्म होना चाहिए था। लेकिन ये जो फारूक भाई बता रहे हैं अभी जो लेकर आया है ये एस्टिमेट, तो 20 इंच खुदाई का है, हमें नहीं मालूम था कि इतना है, हमें मालूम पड़ा कि 15 इंचों का, लेकिन इन्होंने जो कॉपी लाया है वो 20 इंचों की है, तो 20 इंचों तो कहीं से भी नहीं दिख रहा है। यहाँ की जो पब्लिक है वो खुद देख ले, तो भाई जो पैसा आया है वो सही लगना चाहिए और सही होना चाहिए, ऐसा हम लोग सब महल्ले वालों का भी बोलना है, क्योंकि हमको यूज़ करना रहता है ये रोड, और भी लोग हैं यार, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती है, ये फिर खड्डा वैसे ही हो जाएगा, तो
इसको देखो अच्छे ढंग से मुफ्ती साहब आए और यहाँ पर सर्वे करे और देख के समझे उसको क्या हो रहा है। ये हमारी कमिश्नर से बात करके आए हैं और पानी की निकासी का पहले इंतजाम करें। ठेकेदार से ये काम कर रहे हैं। हाँ, ठेकेदार महिला को हिमायत भी नहीं ले रहा है। हमको कल मालूम पड़ा, कल मगरिब बाद एक अच्छे सोशल वर्कर से उसने बहसबाजी कर लिया, दादागिरी करके बना रहे, मगर ज़्यादा हमारा बोलना एमएलए पे कि फंड तुम्हारा है, इस्टीमेट जो लेटर बनता है, तुमने जो लेटर दिया आमदार का उसके बाद इस्टीमेट बनता है। मैं 15 साल का कारपोरेटर हूँ, इस साल इस वार्ड में ही हमेशा मैं रहा हूँ। कारपोरेशन के काम मंजूर मैं बहुत कराया हूँ, मेरे कारपोरेटर फंड से काम का मुझे भरपूर तजुर्बा है। ये जो मैं कारपोरेशन का लाया हूँ इस्टीमेट, ये मैं जिम्मेदारी से आपको बोल रहा हूँ, जिम्मेदारी से पेपर आपको दूंगा, पब्लिक को भी दूंगा, आपको भी दूंगा, इसमें कोई गलत नहीं है। मैंने काम जो पेपर के जरिए, अगर पेपर के हिसाब से नहीं हो रहा है तो फिर क्या करेंगे अभी तुम? मैं तो ये बोलूँगा भाई, हम विकास के खिलाफ नहीं है, काम के खिलाफ नहीं है, काम रोको मत। मुफ्ती साहब आओ और आप खुद देखो, आप जिम्मेदार, आपके लेटर पे ये एस्टीमेट बना हुआ है, आपने अपना बजट दिया 1 करोड़ रुपया, तो उससे काम हो रहा है कि नहीं, आप ये पहले देखो कि आपको काम होना चाहिए। हम काम के खिलाफ नहीं है मुफ्ती साहब, आपने और भी इससे पहले इस वार्ड में काम किया, हमने आपको कभी कुछ बोला नहीं। ठीक है, 19-20 काम होते रहता, 1-2 इंच का फर्क होते रहता, मगर इतना ज़्यादा फर्क ये हमको बर्दाश्त नहीं है, पब्लिक को बर्दाश्त नहीं हो रहा, आम पब्लिक जो यहाँ पर है उनको बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने खुद मुझसे बार बार कहा कि फारूक भाई आप तीन टर्म के यहाँ कारपेंटर हो, तो तुम्हारा जवाबदारी है कुछ बोलना, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, तो मुझे महल्ले के बोलने में निकलने वाला वो है ना, मेरा मोहम्मद रिजवान है। ये रोड का बजट 20 इंच था टोटल खुदाई, 9 इंच पत्थर था, 4 इंच मोरम और 2 इंच PCC और 6 इंच सीमेंट ऊपर कंक्रीट का। अब हुआ ये कि सिर्फ एक तरफ थोड़ा सा हल्का सा मोरम डाल दिया गया और दूसरी तरफ सिर्फ पत्थर डाल के काम को साथ में लपेट दिया जा रहा है, इसलिए काम सही नहीं हो रहा है। जब मैंने उस ठेकेदार से पूछा कि इस तरफ तुमने मोरम डाला है, इस तरफ क्यों नहीं डाला है, तो उसने बोला कि बोले इससे अच्छा काम ये हो रहा है, जबकि 4 इंचों मुरम डालना हो रहा है और वो रूरल से भी नहीं मजबूत किया जा रहा है, बल्कि उसी काम को समेट दिया जा रहा है। मैंने उससे पूछा कि अभी मुरम क्यों नहीं डाल रहा है, तो बोले तुम उससे बहस करने आया क्या? बोले मतलब बहस करना नहीं है, मुझको ये पता कि मुरम क्यों नहीं डाल रहे, तो मुझसे बोला कि तुझे बहस करना है, तो बोले कि ना रहे, इस तरह की बात उसने की। तो मैंने इसलिए मैंने चाहा कि कुछ साथियों को लेकर इस काम को सही तरीके से करने का, हमको रोकना नहीं है, मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, आप सब जानते हैं मुझको, है ना, मुझको सर इतना कहना है आवाम से या लोगों से, ठेकेदारों से, कि काम सही होना चाहिए, कि इस रोड इस रास्ते से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जाती है, यहाँ तक कि इसको इस रोड पर रूलर भी नहीं चलाया जा रहा है, ताकि जब बाद में इस रोड से बड़ी गाड़ियाँ चलेंगी तो वो तो दब जाया जाएगा, ये फिर बदनामी किसके आएंगे, भाई मुफ्ती साहब ने ऐसा काम करके गया। तो बोलना ये है कि मुफ्ती साहब और जिन लोगों ने बड़ा बड़ा ठेका लाया है वो काम की तरफ ये ध्यान दे और सही तरीके से काम, ये कहना है काम हमको रोकना नहीं है, काम बल्कि जल्दी दे और अच्छा होए। ठेकेदार पर मुफ्ती साहब का उन पर कोई दबाव नहीं है, वो आते रोड मार के चले जाते, लेकिन अभी तो कुछ दिन पहले उम्र के लिए गए थे, लेकिन उस दिन काम रुका हुआ था। तो बोलना ये है कि काम की खुदाई सही नहीं हो रही है, माल मटेरियल सही नहीं जाया जा रहा है। अगर ऐसी बस चला तो काम ऐसे काम चला है तो उसको रुकाया जाएगा, महल्ले वाले मिले तो काम रुकाया जाएंगे, भाई काम सही हो, हम आप स्टे लगाना नहीं चाह रहे, काम सही होना चाह रहे हम बस, और कुछ नहीं।